हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरोमा विला के बारे में। अरोमा विला में दो साइजेस आते हैं, 1700 स्क्वायर फीट और 2400 स्क्वायर फीट। अगर हम गज में बात करें तो 75 गज और 100 गज में ये दो विला आते हैं आपको। फर्दर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में। अभी आपको लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन में आपको क्या देखने के लिए मिलता है और विला किस तरीके से बन के रेडी हुए हैं, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे रूम के डायमेंशंस और आप कहां से फाइनेंस करा सकते हैं इस प्रॉपर्टी के लिए। फर्स्ट फेज के अंदर टोटल 33 विला बन रहे हैं जिनको मार्च अप्रैल तक दे दिया जाएगा। यहां पे टोटल 100 प्लस विला बनने हैं जो फ्यूचर में आपको एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। अभी जो हम बात करेंगे वो 1700 स्क्वायर फीट विला के बारे में करेंगे। इसके क्या साइजेस हैं, क्या डायमेंशन है, वो अभी हम इस वीडियो में आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट फेज के अंदर मैक्सिमम विला निकल चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की प्रॉपर्टी के लिए तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी इस प्रॉपर्टी को और अच्छे तरीके से समझने में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यहाँ पे जो आपको विला देखने के लिए मिल रहा है ये ड्यूप्लेक्स विला है। यहाँ पे आपको दो फ्लोर और एक रूफ मिलती है। अरोमा विला के अंदर आपके वेंटिलेशन और सनलाइट का प्रॉपर ध्यान दिया गया है, तो आपको यहाँ पे डोर्स UPVC के मिलते हैं विद ग्लास। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि स्पेस को किस तरीके से मैनेज किया गया है। फर्दर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं करंट डेट कंस्ट्रक्शन अपडेट की। कुछ इस तरीके से एरिया दिखता है जो कि मार्च अप्रैल तक बनके तैयार हो जाएगा। ये रेडी टू मूव एक सैंपल विला मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है एक रूफ का साइज। फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं एंट्रेंस गेट और ये जो आप ये रोड देख रहे हैं ये कनेक्ट करती है 130 मीटर रोड को। फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गार्ड रूम तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दो गेट देखने के लिए मिलते हैं। ये जो सोसाइटी आप देख रहे हैं ये गेटेड सोसाइटी रहेगी, कुछ इस तरीके से लुक आएगा। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 100 गज के विला बनेंगे फ्रंट में। विला के दोनों तरफ आपको ग्रीन एरिया देखने के लिए मिलेगा आसपास और यहाँ पे बनेगा रोड। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीम के साइजेस, सरिये की क्वांटिटी आप यहाँ पे अधिक मात्रा में ही पाएंगे, तो कुछ इस तरीके से बन के आता है आपका फ्रंट वाला एरिया। आगे हम बात कर लेते हैं जो विला बन के रेडी है, कुछ इस तरीके से लुक आती है यहाँ पे। ये फ्रंट एलिवेशन है विला का। आगे हम बात कर लेते हैं ये विला का बैक साइड है जहां पे फ्यूचर में आपको विला देखने के लिए मिलेंगे। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन के तैयार है यहाँ पे, तो अगर आप अपने लिए देख रहे हैं तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है, आप विला में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक सैंपल विला के बारे में। यहाँ पे लिविंग डाइनिंग स्पेस की बात की जाए तो ये मिलता है आपको 18x11 का, जिसमें आपका प्रॉपर लिविंग और डाइनिंग का स्पेस आता है। किचन की अगर बात की जाए तो 6x8 की किचन मिलती है। किचन के डायमेंशन कुछ इस तरीके से रहेंगे। किचन में आपको विंडो का कॉन्सेप्ट मिल जाता है, साथ ही साथ आपको ड्राई पार्ट और वेट पार्ट सेपरेट मिलता है। किचन में जो टाइल्स यूज़ की गई हैं लाइट कलर में यूज़ की गई हैं, जो कि आंखों के लिए सूदिंग रहता है। कुछ इस तरीके का लुक रहता है आपका 6x8 किचन का। यहाँ पे आपको डोर जो मिलता है 8 फीट का जाइंट डोर मिलता है आपकी ग्रैंड एंट्री के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉमन टॉयलेट की, वो आपको मिलता है 5x7.5 का, कुछ इस तरीके से रहेगा। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे है
तो आपको माउंटेड मिलती है चीज़ें। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलता है ड्रेसर एरिया, जो कि आपका टॉयलेट के बिल्कुल साथ में मिलता है आपको। स्पेस यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लोर पे मिलने वाले रूम के बारे में। फर्स्ट फ्लोर में भी आपको क्लोजेट एरिया मिलता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक स्पेस मिलता है जिसमें आप अपना पूजा रूम या स्टोर रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इस छोटे रूम की डायमेंशन की अगर बात की जाए तो ये आपको मिलता है 5x4.5 का। और अगर हम रूम की बात करें तो ये आपको मिलता है 11x12 का रूम। फर्दर यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे रूम की, जिसके डायमेंशन है 11x12 के। यहाँ पे भी आपको क्लोजेट एरिया मिलता है, साथ ही साथ आपको देखने के लिए मिलता है अटैच टॉयलेट। टॉयलेट का जो प्रोविजन मिलता है आपको हर रूम के साथ मिलता है। अगर इसके साइजेस की अगर बात की जाए तो ये आपको मिलता है 5x7 का। यहाँ पे जो आपको फिटिंग्स देखने के मिलती है बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में मिलती है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको विंडो और डोर पे जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो UPVC डोर्स का मिलता है। बालकनी का साइज भी बहुत बड़ा है, कुछ इस तरीके से लुक आती है आपके बालकनी की। सेवेंटी फाइव गज के इस विला के अंदर आपको रूम साइजेस अच्छे मिल जाते हैं और स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। अगर आप अपने लिए विला देख रहे हैं तो आप एक बार इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं ग्रेनाइट जो आपको सीढ़ियों पे मिल रहा है, और प्लस यहाँ पे आपको रेलिंग मिलती है स्टेनलेस स्टील की। कुछ इस तरीके से UPVC के डोर्स और विंडोज मिलते हैं आपको प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए। अगर आप अपने विला को और सुंदर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शैंडलर की प्लेसमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। आप अपनी प्रेफरेंस और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है फैमिली लाउंज। फर्दर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रूफ साइज जो आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप अपने पर्सनल टेस्ट और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस पूरे एरिया को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको सनलाइट प्रॉपर मिलती है, प्रॉपर वेंटिलेशन का प्रोविजन है, तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस एरिया को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आप कंस्ट्रक्शन जो देख रहे हैं ये लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है, कुछ इस तरीके से काम आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें सो दैट आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए प्रॉपर्टी को लेके। फर्दर सेल से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।